पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आक्रोशित होकर कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी यहां पर पहुंचे हैं। और आपको मैं पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो रांची के बरियातू स्थित श्याम सर्विस जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और साफ तौर पर सभी नेताओं का एक स्वर में कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य में वृद्धि हुई है ये कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर अब असर पड़ने लगा है। और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से भी ऊपर हो चुकी है। 100 रुपये भी पेट्रोल डीजल का दाम होगा ये कल्पना के परे था लोगों के, लेकिन आज केंद्र सरकार उस कल्पना को भी तोड़ दी, पहुँचा दी, सही साबित कर दी कि लोगों का जो कल्पना था पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2014 में जब सत्ता में आए थे याद करें उस समय कितने प्राइसेस थे पेट्रोल डीजल गैस के। इस हस्ताक्षर अभियान में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रायसीना के दीवारों में देश के पीएम मदहोश है और उन्हें आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सभी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सहित सभी सेक्टर को, आप भी आज यहाँ चल के आए आपको महसूस होता होगा कि विगत 2 सालों के अंदर कितना ज़्यादा आपका जेब से पैसा कटा, आपका पॉकेट कटा। इन सब चीज़ों को जनता जान रही है, आक्रोश में है, लेकिन अभी विपदा का समय है, सड़कों पर नहीं उतर रही, कोविड का पालन कर रही, नहीं तो इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, देश में प्रॉब्लम हो सकता है। जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है और कातर नज़रों से, बिल्कुल उम्मीद भरी नज़रों से विपक्ष की ओर देख रहा है। लाइव लगातार के लिए रांची से सौरभ शुक्ला। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।